सबसे बड़े बड़े नेता जो इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन की टाइम गली गली में आते हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपकी ये कर देंगे, हम आपको कर देंगे। मैं ये नहीं कहती कि वो कर, मैं ये कहती हूँ कि मैं जीत के दिखाऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी कोटा और बूंदी को साफ। काजल दीदी को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि केंद्र है। दूसरी बात, आज भी कोटा के अंदर कई परिवार हैं जो ये चला रही है, उनका पालन पोषण कर रही है अपने खर्चे से। अड़ोसी क्षेत्र की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ाएं, और वैसे जनता मेरे साथ है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, और जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ आप मेरे को आगे बढ़ाएं। मैं आपको हर सुविधा ला के दूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी जो दिग्गज नेता कहते हैं दोनों, मैं वो नहीं कह सकती। बस मैं कहूँगी आप मुझे जिताइए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपका एक परिवार का हिस्सा हूँ मैं। आप ही लोग मेरे माँ बाप हो, आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, भाई बहन सब कुछ आप हो। आप लोगों के सपोर्ट से आज मैं खड़ी हुई हूँ और आप लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हो, मुझे बहुत खुशी लग रही है। आज कोटा शहर में मैंने नामांकन भरा है, मुझे इतनी खुशी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और इतने बड़े लोकसभा के चुनाव, इंसानों की हिचकी आ जाती लड़ने में, तो आज बड़े बड़े दिग्गज नेता के सामने मैं खड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या एजेंडा है आपका चुनाव का, जनता को किस प्रकार का वादा करना चाहती हैं, क्या करेंगी आप आगे जनता के लिए अगर चुनी जाती हैं? मैं जनता से ये वादा करना चाहती हूँ, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो उन पब्लिक की हालत, गरीब लोगों की हालत है, रोड पे पड़े हैं, खाने के नहीं, पीने उनके पानी के पीने का नहीं, नल सही नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, नालियाँ सड़ रही है, झोपड़ पट्टी है, बारिश में पानी भर रहा है। जब बड़े बड़े सर दिग्गज नेता उनको तसल्ली देते हैं कि हम आप हमें वोट दो, हम आपके लिए करवा देंगे, हम आपके लिए वो करवा देंगे, जब जीत जाते हैं नेता लोग तो कुछ भी नहीं करवाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा अच्छा कौन कब आए थे आप वोट देने, दिए होंगे वोट हम नहीं जानते, है ना। नेताजी घर पर नहीं है, कल आना, नेताजी दिल्ली है, नेताजी जयपुर, ऐसे टाल देते हैं। तो मैं ये जनता से कहना चाहती हूँ कि आपको कई चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मेरे को जिताओगे मैं एक फ़ोन मेरा खुद का नंबर दूंगी आपको प्रश्न, आप मुझे फ़ोन करोगे और मैं आपके पास पहुँचूंगी, पहले कहीं भी हूँ आपका काम हो जाएगा। जनता मेरे से उम्मीद बहुत कुछ लगा बैठी है कि दीदी आप सपोर्ट खड़े हो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताएंगे, आप बस बैठना नहीं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, भले मेरी गर्दन कट जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं बैठूंगी नहीं, पब्लिक मेरे साथ है, सपोर्ट में है। कोरोना काल में इन्होंने अपने पैसों, अपने जो इनके जो जेवर वगैरह थे उनको बेचकर, प्लॉट को बेचकर, और इन्होंने खाना वितरण कराया निस्वार्थ, नामांकन भरा, लेकिन जनता का क्या सपोर्ट है आपके लिए? आपने जनता का इतना सपोर्ट है कि आज से, आज मुझे 20 साल हो गए कोटा शहर में जी, सेवा करते करते मैंने गरीबों की बहुत मदद करी है, और कोटा हड़ौती क्षेत्र पूरा मुझे जानता है काजल किन्नर दीदी नाम से जी जी, और वो पूरी पब्लिक ने मुझे खड़ा करा, मैं नहीं हुई हूँ, पब्लिक ने मुझे खड़ा करा कि दीदी आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। कोटा के अंदर जो राजनीतियाँ चलती है, हेड और टेल की राजनीति, इस बार तो बीजेपी, इस बार कांग्रेस, और इसी प्रकार से हमेशा चलती आ रही है, तो हम बस ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो कोटा है वो कोटा इन्हीं की बीच में आकर फंसा रहे। आज हमारे यहाँ पर कोटा इतना पीछे हो चुका कि जो एयरपोर्ट आना था ना तो एयरपोर्ट आया, और यहाँ पर सौंदर्यकरण की बात, हम मानते हैं कि सौंदर्यकरण हुआ है, लेकिन हमारे जो मेन चीज़ थी जो एयरपोर्ट का, वो आज इन तक कागजों में ही है, मात्र कागजों में ही रहेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है इसी प्रकार से रहता है। राहुल जी, आप क्या मुद्दे रहेंगे, किस एजेंडे को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा ये कि जो दोगली राजनीतियाँ जो कोटा के अंदर हो रही, कोटा सिटी में रही है, उन चीज़ों को हम बंद कर आपके कुछ एक क्वेश्चन निकल के आता है बहुत राहुल जी, कि राजनीति में अपराधीकरण हावी है तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? किसका सर? राजनीति में अपराधीकरण हावी है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, राजनीति जो हावी है वो इन्हीं लोगों के लिए अपराधीकरण इसी वजह से, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है वो इन अपराधीकरण वालों को, इनको है ना, जो पनाह देते हैं।